उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीबों की जमीन सहित सरकारी जमीनों पर दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का दावा करते नहीं थक रही है, परंतु उसकी सच्चाई बलरामपुर जनपद में उस समय देखने को मिली जहां पर अधिवक्ता सनातन देव की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर दबंग भूमाफिया विशाल सिंह तथा जितेंद्र प्रताप सिंह ने अपने डेढ़ दर्जन साथियों के साथ पुलिस की मौजूदगी में अधिवक्ता को थप्पड़ों से मार मार कर लहूलुहान कर दिया, जिस पर कोर्ट द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का सख्त आदेश है। यही नहीं, दबंग ने मौजूद पुलिसकर्मी से वो मोबाइल भी छीन लिया जिससे वो मारपीट की घटना का वीडियो बना रहा था। ये घटना और कहीं की नहीं बल्कि बलरामपुर जनपद मुख्यालय की है, जहां पर डीएम और एसपी खुद विराजमान रहते हैं। दबंगों के आगे नतमस्तक पुलिस अधिवक्ता की तहरीर पर दो नामजदों सहित डेढ़ दर्जन लोगों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जांच करने का नाटक तो कर रही है, परंतु अभी तक किसी को गिरफ्तार तक नहीं किया गया है। जबकि सीओ ने दबंगों के द्वारा अधिवक्ता से मारपीट की पुष्टि करते हुए घटना का वीडियो बना रहे मौजूद पुलिसकर्मी से मोबाइल छीनने को भी स्वीकार किया है। अब देखना होगा कि एसपी और डीएम के नाक के नीचे अपराध करने वाले इन अपराधियों की गिरफ्तारी या पुलिसिया कार्यवाही क्या और कब होती है। क्या मामला है पूरा? हमारी जमीन को अवैध कब्जा करना चाहते थे, जिसकी बीवी चल रही थी, उनको पता चला तो मैंने एक अप्लीकेशन डीएम के यहाँ छोड़ा, तो डीएम साहब ही नहीं, फिर डीएम साहब ने उस पर कार्रवाई किया, एसडीएम को लिखा, फैक्स किया, जितने कागज हमारे थे सब फैक्स कर दिया, और उसके बाद फिर ये एसडीएम साहब ने थाना कोतवाली को फ़ोन किया, थाना कोतवाली ने जान लीजिए यहाँ चुंगी नाका के जो इंचार्ज हैं उनके पास फ़ोन किया, फिर हमारे पास फ़ोन आया कि दो एक पुलिस वाले ने कहा कि आइए स्थल निरीक्षण किया, मैं काम करूँगा, फिर उन्होंने उनके कहने पर हम लोग चले गए, फिर वहाँ जान लीजिए उसने जैसे भी से काम रुकवाया, बाहर निकलवाया, उसके बाद 15-20 लोग गाड़ी में भरकर आए और ना पूछा ना जाता कोई, तो मारने लगे, हमको मारा पीटा, उसके बाद पुलिस वाले की मोबाइल छीन लिया और मोबाइल छीनने के बाद उसको भी गाली गलौज दिया, मारा पीटा, और उसके बाद फिर ये जान लीजिए है विशाल सिंह प्रमुख हरैया सतगरवा और कुलदीप सिंह, वो इनके भाई जितेंद्र प्रताप सिंह धीरू सिंह के भाई, ये सब जान लीजिए कहते हैं मारा पीटा हमको, और आस्थगन आदेश है उसका पालन नहीं किया, उसको फाड़ना चाहते थे, पुलिस वाले से छीन रहे थे, उसके बाद ये जान लीजिए उसने किसी प्रकार ये जान लीजिए वो किया, हमारे हाथ में फ्रैक्चर आ गया बाएं हाथ में, हमने मेडिकल कराया, फिर ये जान लीजिए FIR दर्ज हुआ और उसके बाद आज वो कराया है हमने, ये एक्सरे कराया है, यही घटना है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।